हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी पॉकेट में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज का द इंडियन एक्सप्रेस का इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और आप देखिएगा, ये एक स्केलेटन है जो कि मिला है हिसार डिस्ट्रिक्ट में। हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है। ये देखिए, हरियाणा में करके हिसार डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पर एक विलेज है राखीगढ़ी, वहाँ पर एक कंकाल मिला है युगल युवा जोड़े का। देखो, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में राखीगढ़ी में हुई हड़प्पाकालीन सभ्यता की खुदाई में कई राज से एक पर्दा उठा है, यानी कि इस उससे हड़प्पाकालीन सभ्यता के बारे में कई जानकारी सामने आई है। और नए मिले तथ्यों व चीज़ों से अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हड़प्पा काल में प्रेम का विस्तृत संसार था। ठीक है, तो यहाँ पर खुदाई के दौरान एक युगल के कंकाल मिले हैं। इसमें पुरुष अपनी महिला साथी को निहार रहा है, या आप फोटो में देख सकते हो किस हिसाब से। और देखो, हड़प्पा काल में था प्रेम का एक ऐसा, बल्कि लव का एक मिला है हमें, कि वहां पर भी शायद कभी ना कभी मैरिज का एक कल्चर जो है डेवलप हुआ होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैरिज का कल्चर वहां पर कभी इस्टेब्लिश हुआ होगा, डेवलप हुआ होगा, ऐसी हमें बात यहाँ पर मिल रही है। पर लेकिन जस्ट अभी ये क्लेम है। जो स्केलेटन हमें मिला है, इसमें मैन की जो उम्र बताई जा रही है वो 38 और वुमन की 25 है। यानी कि जो द इंडियन एक्सप्रेस में आया है उसके मुताबिक मैन की उम्र 38 और वुमन की 25 बताई जा रही है। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर जेंडर इस्टेब्लिश हो चुके हैं। ठीक है, कि क्या क्या उनके जेंडर्स रहे थे, एक एक वुमन है और एक मैन है। पर लेकिन जेंडर का मिलना पर लेकिन जब कभी भी ऐसा, ये पहली बार नहीं हुआ कि हमें दो एक जोड़ा मिला है। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है दुनिया में कि जहां पर जोड़े मिले हैं ऐसे, पर लेकिन उनका किसी का भी जेंडर इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाया। उनका किसी का भी जेंडर पता ही नहीं लग पाया कि जेंडर क्या क्या था उनका। रिसर्चर्स ने यहाँ पर तो ऐसा भी नहीं है कि रिसर्च पेल्विक बोन की तरफ देखते हैं, क्योंकि पेल्विक बोन्स वुमन की मैन से ज्यादा वाइड होती हैं, उससे पता लग जाता है। पर लेकिन यही कला एक ऐसा इंडिकेटर नहीं है आर्टिकल के मुताबिक। देखो, ये एक ईरान में करके एक हिसानुल लवर्स हैं। इसमें देख सकते हो आप ये दोनों कंकाल एक दूसरे को चूमते हुए नहीं, थोड़ा दूर हैं तो नजर आ रहे हैं, एक का हाथ दूसरे के मुंह पर है। तो ये लवर्स हैं, हसनुल लवर्स कहते हैं, ईरान में मिला था एक करके ये। देखो, इनकी ग्रेव है, इनकी मजार है, ये ताजमहल से काफी अपने आप को कहते हैं कि ये भी एक प्यार का एक मोनूमेंट है, ऐसा कहते हैं। पर लेकिन विवाद तब होता है जब ये पता लगता है कि वहां पर कोई भी फीमेल स्केल्टन नहीं था, एक्चुअल में वो मेल स्केल्टन था। ठीक है, तो काफी एक ऐसा कोई निकल के आया था कि उस वक्त कैदियों को मार दिया गया था। ठीक है, किसी गढ़ में, हसोनू के गढ़ में, करीब 800 BC की बात है ये। तो कभी भी जेंडर का पता नहीं लग पाया है। आगे आर्टिकल देखो, एक और कहता है कि वाल्डारो और लवर्स ऑफ वाल्डारो, ये भी एक कंकाल है। ये देखिए, आर्टिकल कहता है कि देखो, सबसे पहले हम देखते हैं ये। ठीक है, तो ये एक नियोलिथिक लवर्स है, ये मांटुआ के पास डिस्कवर हुए थे। मांटुआ एक जगह करके है इटली में, इटली की कैपिटल, प्रोविंस कैपिटल है। तो 2016 में एक, मैं आपको बता दूं नॉलेज की बात, जो मांटुआ को इटालियन कैपिटल ऑफ कल्चर डिक्लेयर किया गया था, और 2017 में मांटुआ को यूरोपियन कैपिटल ऑफ गैस्ट्रोनॉमी डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, तो आर्टिकल के ऊपर आते हैं। आर्टिकल कहता है ये नियोलिथिक लवर्स हैं। ठीक है, कैसे, ये मांटुआ के पास डिस्कवर हुए हैं। और पर लेकिन ये लवर्स का जेंडर है, वाल्डोर लवर जेंडर, इनका जेंडर क्या है, इनमें मर्द कौन है, औरत कौन है, ये दोनों मर्द हैं, इनका जेंडर के बारे में पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है वाल्डोर के लवर्स के बारे में। ये भी एक चिंता का या स्पेकुलेशन का विषय है। तो आप देख सकते हो मांटुआ की लोकेशन है, इटली का मैप है, यहाँ पर मांटुआ है। ठीक है, अंत में आर्टिकल कहता है कि देखो, जो राखीगढ़ी में कपल फाउंड हुए हैं, ठीक है, ये सबसे पहला है ऐसा जिसमें कि क्लियरली पता लग पाया है कि एक मेल है और दूसरा फीमेल है, ये सबसे पहला है। पर लेकिन जो हमारी प्री हिस्ट्री है, ये फुल ऑफ मेबी से भरी हुई है, फुल ऑफ शायद से, फुल ऑफ डिस्कवरी से भरी हुई है, कुछ नहीं पता लग पा रहा क्या है। पर लेकिन वास्तव में ये दो लवर्स हो सकते हैं, शायद ये ब्याह में भी लवर्स होते हैं, शायद उनकी शादी हो चुकी हो, शायद अच्छे दोस्त हों, क्या पता आंट और नेफ्यू हों, कुछ भी हो सकता है। पर लेकिन अभी इसके बारे में कोई भी कंक्लूजन नहीं मिल पाया है, कोई भी अंत नहीं मिल पाया है, यही आर्टिकल था दोस्तों। ठीक है, तो हमारी अभी इसी, आप एक बार फिर से देख लेते हैं इनकी ग्रेव के बारे में, इनकी कंकाल। तो ये है कंकाल जो मिला है। ठीक है,
तो दोस्तों हमारी इस वीडियो की डिस्कशन में इतना ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, तो मैं मुझे सोचा कि मुझे डिस्कस कर लेना चाहिए, तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट ये इशू था। ठीक है, तो हमारी दोस्तों इस वीडियो की डिस्कशन में इतना ही। तो अगर आपको कोई भी क्वारी या कमेंट करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं कोई भी। तो हमारी इस वीडियो की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।